नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना ब्रेकिंग, चीन में कोरोना की तबाही से भारत सतर्क, एक्शन में केंद्र सरकार। चीन में कोरोना भयावह रूप धारण कर चुका है, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। इसी बीच भारत में कोविड से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जाने लगे हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन जनरेटर सहित सभी बुनियादी ढांचे जो कि कोविड 19 की पिछली लहरों के दौरान स्थापित किए थे, वह एक्टिव मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद मंत्री सुधाकर ने कहा कि दुनिया में हर दिन 5 से 6 लाख नए कोविड 19 के केस मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 80% नए मामले चीन, जापान, ताइवान, अमेरिका, यूरोप और न्यूजीलैंड समेत 10 देशों में सामने आ रहे हैं। बैठक में सभी राज्यों को बताया गया कि पिछले 3 महीनों से दुनिया के विभिन्न देशों में कैसे कोविड 19 बढ़ रहा है। भारत में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 0.03% है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि देश की पूरी आबादी को वैक्सीन की 2 खुराकें मिल चुकी हैं। साथ ही भारतीयों का इम्यूनिटी सिस्टम भी बेहतर है, इसी वजह हम कोविड 19 के प्रसार से लड़ने की बेहतर स्थिति में हैं। मंत्री के सुधाकर ने कहा कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट स्ट्रेन BF7R वैल्यू के हिसाब से 1 व्यक्ति से 17-18 लोगों में फैलने में सक्षम है, इसलिए यह अत्यधिक संक्रामक है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों से कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाएं और स्क्रीनिंग पर जोर दें। 2 साल पहले शुरू हुआ कोविड 19 अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोगों से अधिक सतर्क रहने और जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई। इसमें नए वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए पॉजिटिव केसों को अनिवार्य रूप से जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश दिए गए। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर बूस्टर डोज दी जाएगी।